अस्सलाम वालेकुम। आज संडे था तो मैं अपने भाई के साथ जमात इस्लामी की इलेक्शन कैंपेन के लिए गया। बाय द वे वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। आज सुबह 11 बजे मैं उठा, जल्दी से मैंने तैयारी की और तैयारी करने के बाद हम दोनों चल पड़े मस्जिद अल हक की तरफ जमात इस्लामी की इलेक्शन कैंपेन में शिरकत के लिए। वहाँ पर हम पहुँचे, अंदर गए तो तमाम अरकान आए हुए थे। वहाँ थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद हम सब वहाँ से निकले और पहुँचे शाही बाजार की इन छोटी गलियों में, जहाँ से हमने अपनी कैंपेन का आगाज किया। और हमने वहाँ लोगों को जमात इस्लामी का मकसद बयान करते हुए उनकी तलकीन की कि आपके हलके के उम्मीदवार डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब के छोटे भाई सैयद जीशान अख्तर साहब जो जमात इस्लामी के तराजू के निशान से लड़ रहे हैं, तो तराजू को अपना इंतखाबी निशान बनाते हुए उन्हें वोट दें। इसी दरख्वास्त के साथ हमने तमाम लोगों में पंपलेट वगैरह भी तकसीम किए और बहुत से लोगों के इतराजात के साथ साथ उनकी राय भी सुनी और उनके नंबर्स वगैरह भी नोट किए। इस सारे कैंपेन में हमारे नाजिम अब्दुल्ला भाई ने बहुत से लोगों को जमात इस्लामी की तरफ रागिब किया। डॉक्टर सलीम के साथ छोटे भाई निशान अख्तर साहब आपके हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोट भी दरखास्त है सर। डॉक्टर साहब की तरह नेक भी हैं, काबिल भी हैं, किस तरह ईमानदार हैं, जमात इस्लामी की तरफ से इस वक्त सर जितनी भी बाकी स्टोर पार्टियाँ हैं उनका जो बेहतर है तो आपको बताइए। यहाँ से निकलने के बाद हम अपने मोहल्ला गुलशन हबीब जमात इस्लामी के जलसे में गए। इस हलके के उम्मीदवार मलक कामरान साहिब और सूबाई असेंबली के उम्मीदवार नसरुल्लाह खान नासिर साहिब, जिनका जोरदार इस्तकबाल किया गया और जलसे का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। नात के बाद नसरुल्लाह खान नासिर और कामरान मलिक ने जमात इस्लामी के निशान तराजू को वोट डालने की कुछ बातें की। जलसे में जमात इस्लामी को सपोर्ट करने वाले काफी लोगों ने शिरकत की। जलसे खत्म होने के बाद मैंने आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म किया। अल्लाह हाफिज़।